दिनेश भाई उस दिन टैक्सी चलाकर थक गए थे, तो सोचा कि रात के 1 बज रहे हैं, अब चाय नाश्ता कर लिया जाए। अपने फेवरेट चाय की किटली वाले के वहां पर पहुंचे, उन्होंने टोस्ट और चाय लिया और बैठकर घर गृहस्थी की बातें करते हुए खाए जा रहे थे। इतने में चाय की किटली पर एक लड़की आ पहुंची। उसे बहुत चोट आई हुई थी और उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। चाय की किटली वाले जो थे वो चाचा बुजुर्ग थे, तो पूछ बैठे कि बेटा ये कैसे हुआ। उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ लूट लिया। चाय की किटली वाले चाचा ने कहा कि बेटा तू हमारी दुकान पर आई है और तू हमारी जिम्मेदारी है, और ये दिनेश भाई जो है वो खुद एक टैक्सी वाले हैं, तुझे फटाफट तेरे घर पर छोड़कर आ जाएंगे, चल टैक्सी में बैठ जा। दिनेश भाई अपना नाश्ता वहीं पर छोड़कर टैक्सी में ड्राइवर सीट पर बैठ गए। लड़की आके पीछे नहीं दिनेश भाई की बाजू वाली सीट पर बैठी। दिनेश भाई ने धीरे से उससे पूछा, मैडम बुरा ना माने तो पूछूं आपसे कि ये सब हुआ कैसे। लड़की ने दिनेश भाई से नजर मिलाते हुए कहा, मैं कॉल गर्ल हूं भैया। दिनेश भाई उसकी ओर देखते रह गए। उसने कहा, ये 5 लोग थे जिन्होंने मेरी ये हालत की है। दिनेश भाई के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उन्होंने कहा, मैं अब तक सोच रहा था कि मैं एक मजबूर लड़की की मदद कर रहा हूं और तुम तो। लड़की ने कहा, और मैं ऐसी लड़की मिली जिससे आप कभी मिलना भी नहीं पसंद करोगे। मैं ऐसी लड़की जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन जिसकी नौकरी कभी नहीं लगी। मैं ऐसी लड़की जिसके माँ बाप ने मजबूरी में आकर मेरी शादी कर दी। वो लड़का मेरा पति रोजाना माँ बाप से दहेज लाने की बात करता है, जिद करता है, और जब मैं मना करती हूं तो मुझे रोज शाम किसी के हाथों बेच देता है। जब मैं मेरे उस घर में पहुंचती हूं तो मखमली कालीन मेरा स्वागत करती है, जिससे मुझे पराये मर्दों की गंध आती है। मेरे उस घर में वार्डरोब में बहुत सारे महंगे कपड़े हैं, लेकिन हर कपड़े के साथ एक दर्दनाक रात की कहानी जुड़ी हुई है। पूरे हफ्ते में मुझे एक रविवार का इंतजार होता है जब मेरी मां मेरी राह देख के बैठी होती है। उस बचपन के घर में घुस के मेरी मां की गोद में सर रखकर रो लेती हूं जब मेरी मां प्याज काट रही होती है। अच्छा हुआ कि किसी रात मेरे पिताजी घर से बाहर नहीं निकलते, और निकलते भी तो हाईवे पे खड़ी हुई सज धज के उनकी बेटी को पहचानते भी तो कैसे। वो कहते हैं ना कि एक औरत प्यार करने वाले को, आशिक को भुला सकती है, लेकिन इज्जत देने वाले इंसान को कभी नहीं भुला सकती। वैसे भी मोहब्बत करने का हक उसी को है जो औरत की इज्जत करना जानता हो। औरत पर बुरी नजर रखते हैं जिस्म के खातिर जो बहक गया, जो इज्जत ना कर पाया स्त्री की, वो जीने के काबिल ही क्या रह गया। ऐसी कहानी आपको पसंद आती है तो रोज सुबह 7 बजे 94.3 MyFM पर मुझे आपका इंतजार रहेगा। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, इंडिया आखोई मारू छे, अर्चना की ओर से। बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए।